नमस्कार, कार्यक्रम न्याय मंच में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको न्याय और न्याय प्रणाली के विषय से अवगत कराते हैं और यहां तक संभव हो सके आपकी कानूनी समस्याओं का हल तलाशने में आपकी मदद करते हैं। आज का विषय बेहद संवेदनशील है क्योंकि ये बच्चों और किशोरों के साथ जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं ना कि बच्चे कल का भविष्य हैं, इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम उनका आज जो है वो अच्छा करें और सुरक्षित बनाएं। हालांकि हमारे देश की बहुत सारी जनसंख्या जो है इन बच्चों और किशोरों की है, लेकिन परिस्थितियां चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, इनमें बहुत सारी विषमताएं हैं और इन विषमताओं के कारण आज ये बच्चे और ये किशोर जो हैं वो संघर्ष में हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कितनी ही संख्या जो है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन की है, जो बेघर हैं, जिनके पास अपना कोई नहीं है। इसी तरह बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है और वो आसानी से बहुत सारी ऐसी स्थितियों से जूझने लग पड़ते हैं जो उनके लिए नहीं बनी है, जैसे नशे की चपेट में आ जाना या जाने कहे अनकहे अपराध की दुनिया में कदम रख लेना। क्या है स्थिति, आइए लेते हैं एक जायजा। हमारे देश में कानून बहुत हैं, बच्चों के लिए भी कानून बहुत हैं। आप यदि देखें बच्चों के लिए कानून तो इतनी मोटी किताब बन जाएगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता है कि है। हम कहते हैं कि बच्चों को जो नीड एंड केयर इंग्लिश में बोलते हैं कि उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन हमें देखते हैं कि बाहर जाते हैं हम सड़क पे, बच्चे हमारी नॉक करते हैं गाड़ी को, गुब्बारा ले लीजिए, खाने को दे दीजिए, पेंसिल ले लीजिए। इट स्पीक्स वॉल्यूम। बैगिंग में जितने बच्चे आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में बैगिंग में आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए सबसे पहले उनकी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। जो भी बैगिंग में बच्चे उठा लेते हैं, क्रिमिनल जो कम बच्चे उठा के, और यदि कोई बैगिंग करता हुआ किसी भी स्टेज पे किसी भी जगह पे आपको मिलता है बच्चा, उसको पहले सब लोगों को ही चाहिए कि एक तो बैगिंग बंद करें, उनको बैगिंग देना बंद करें। कुछ जितना सुविधाएं और मिलनी चाहिए वो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इसके बहुत से कारण हैं। और इसी की वजह से जो बच्चे हैं ज़्यादातर जब एजुकेशन नहीं है उनके पास कोई रास्ता नहीं है और आगे बढ़ने का, तो वो क्राइम पर चले जाते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के होते जाते हैं क्योंकि उनके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना उनके पास आगे कोई जीवन में बढ़ने के लिए कोई लक्ष्य है। कि हमारे देश में बच्चों के प्रति पूरा समाज जो उत्तरदायी होना चाहिए वो उत्तरदायित्व की बराबर कमी है। घर ही प्राथमिक पाठशाला होता है, वहाँ परिवारों में ही बच्चों का ठीक से लालन पालन नहीं हो पाता। हमारे बच्चे जो बचपन है उसको ही नहीं एंजॉय कर पाते हैं। उसका कारण है कि हमारे देश में गरीबी बहुतायत है, 85% जनता जो है गरीबी से परेशान है, जूझ रही है। बच्चों के लिए ना तो पीने के लिए दूध है, ना खाने के लिए खाना है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। विद्यालयों का शिक्षालयों का बहुत बुरा हाल है। मेरा तजुर्बा है कि जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो लॉ इम्प्लीमेंट करती हैं, इन तीनों का आपस में समन्वय नहीं है। I think according to me, it's the way we, the civil society, the judicial system, the political parties, we all actually have to come up with a big awareness program. I think awareness is the biggest thing. देश का एडमिनिस्ट्रेशन का ये फर्ज बनता है कि उनकी हालत, उनको कोई भी बच्चा, सबसे अच्छी बात ये होगी जिस दिन आप निकले और कोई भी बच्चा सड़क पे आपको पैसे मांगता हुआ नहीं मिले, सारे बच्चे स्कूल में मिले बिटवीन 10 and 12, तब होगी कि हाँ हमारे देश के कानून ठीक है, कानून पार्लियामेंट ने बना दिया, किताबों में आ गई, उसके लिए कानून नहीं बनता है, कानून का पालन होना चाहिए। एक तो हमारे इंस्टीट्यूशंस को उसको ये देखना चाहिए कि जो भी कानून जितने बन गए हैं, पहली बात तो वही है कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएं। इसके लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार जो है परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं। हालांकि एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन इज कंपल्सरी, बट नोबडी बदर्स। वी आर अ वेरी क्रूअल सोसाइटी। That sensitization is not there. I can tell you of cases which was started as part of the public interest litigation, which is started by my mother in 79, where when they did the under trial prisoners case, they found young children, infants, lodged in jail for years and months because there was no sensitization of the fact that children are not meant to be kept in jails or in custody. लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके बीच
सेंसिबिलिटी और बढ़ानी होगी, इनके बीच जो संभावना है उनको और बच्चों के प्रति जागरूक बनाने की, ताकि उनको एक क्रिमिनल के तौर पे नहीं देखा जाए, वो लोग बच्चों को एक क्रिमिनल के तौर पे नहीं देखें और उनको सुधार के तरफ ले जाने के लिए उनकी कार्रवाई करें। वो उसके लिए इनको चाहिए कि पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट लाएं और इसको स्टेट लिस्ट से हटा करके सेंट्रल लिस्ट में डाला जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसमें 2/3 मेजोरिटी से वो अमेंडमेंट होगा और जिसकी वजह से पूरा जो है स्टेट लिस्ट से हट करके ये एक्ट जो है सेंट्रल लिस्ट में आ जाएगा, तो सेंटर इसको गवर्न करेगा। बचपन किशोर अवस्था एक परिवर्तन की अवस्था होती है। यहाँ बच्चे को किशोर को नित दिन नए अनुभव होते हैं। ये अनुभव कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी। गरीबी एक अभिशाप है और इस गरीबी में जाने अनजाने में कई बार ऐसा होता है कि किशोर कानून को अपने हाथों में ले लेता है। इसमें अब एक तरीका ये हो सकता है कि कानून जो है उसको सख्त से सख्त सजा दे और ये माने कि दोबारा अपराध की तरफ नहीं आएगा, लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग, हम सब, हम शहरी उसके इस अबोध पन में किए गए इस अपराध को एक पॉजिटिव दृष्टि के साथ देखें और उसको दोबारा अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, इनमें एक कानून है जिसे हम कहते हैं किशोर न्याय अधिनियम 2000। इसके बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन इन प्रावधानों में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो है उसका पुनर्वास और उसका रिहैबिलिटेशन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर अपराधों को अभी हम कम करना है और उस बच्चे को दोबारा हमने मेन स्ट्रीम में लाना है। जे एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2000 और पुनर्वास, ये है हमारा आज का मुद्दा। हमारे आज के मुद्दा सेगमेंट में स्वागत है हमारे दो विशेष मेहमानों का। सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा सिस्टर जेसी कुरियन का। आप सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं और साथ ही साथ में आप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की फार्मर सदस्य भी रह चुकी हैं। हमारी दूसरी मेहमान है स्नेहा कलिता। स्नेहा, आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और रिसर्च के साथ जुड़ी हैं, असम में आपका अच्छा खासा परिचय है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कलिता, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। बात हुई जे एक्ट की, किशोरों की, उनके बचपन की, उनकी अबोधपन की। ये जे एक्ट जो है ये आखिर ये है क्या, इसके प्रावधान ये कहते हैं और ये किस तरह से बाकी कानून जो है उनसे अलग इसको बनाया जाता है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 एंड हाल ही में ही 2007 रूल्स भी हो गए हैं, ये बनाए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बालकों को देखरेख, संरक्षण और अंतिम पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए ये बनाए गए हैं। और इसका 3 स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है मेजरली, दे आर द पुलिस एंड प्रोबेशन ऑफिसर्स एंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और ये पुलिस का यहाँ पे मेजर रोल हम लोग बोलेंगे है, क्योंकि ये दे आर द फर्स्ट पर्सन हु कम इन कॉन्टेक्ट विद द जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो एंड सो दे आर नॉट टू यूज डेरोगेटरी वर्ड्स arrest and they have to be arrest ke alawa apprehension is a proper word to use and secondly ye child friendly approach hona chahte hain unke jo manner of approach juvenile in conflict with law lekin Sneha main janna chahta hu aapse ye ki kya ye jo jjb ki aapne baat ki ye ek alag se nyayalay hai matlab is cheez ke liye ya ek civil yes it's a beneficial legislation only for juvenile in conflict with law एंड इन नीड एंड केयर, ये दो भागों में बांटा गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जाने अनजाने में अपराध हो गया, जब अपराध हो गया पुलिस आती है उस जुविनाइल को या उस किशोर को जो है वो हिरासत में लेती है या हिरासत में लेकर के उसको न्यायालय में पेश, जिसको जेजेबी कहा जाता है, जुविनाइल जस्टिस बोर्ड कहा जाता है। जुविनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जब अप्रिहेंड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ड्यूटी, इट्स अ रोल ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स टू प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट। इन बिटवीन यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर हु इज वन मोर स्टेक होल्डर इन जुविनाइल जस्टिस एक्ट, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं टू सी द फैमिली हिस्ट्री क्या है जुविनाइल का, उनके नाम, पता, पेरेंट्स है कि नहीं, कैसे, व्हाट ऑफेंस दे हैव कमिटेड
and then they have been produced in the JJB board. So then the enquiry starts whether he has committed, actually has committed an offence or nahi. So from that period the enquiry starts, and during that period agar for the best interest of child mein bail ka prayojan hai to bail diya sakte hain, nahi to unko observation home mein detain mein rakha jate hain for the proper reformation, rehabilitation us stage pe shuru hota hai. Sister Jessie, for the benefit of our English viewers as well, I'll come to you. Then what happens after that? I mean, if they are sent to the juvenile homes and thereafter what happens? Individual care and protection of the child is a vital factor in Juvenile Act, because the whole Juvenile Act is aimed that bringing the whole round development of the child, mm-hmm. juvenile. Right. So there to restore the human dignity and also emotional training and emotional and the self-esteem should be built up of the juvenile. So these kind of things, education should be seen, and also the mental health of the child, the treatment given accordingly. So all this will come under the care and protection of the individual juvenile. Rehabilitation. I mean, this is the topic, और ये हमारा मुद्दा है स्नेहा इस चीज के लिए. तो जेजे एक्ट जो है वो रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कहता है, क्या इसके प्रोविजंस हैं? हाँ, रिहैबिलिटेशन अंडर सेक्शन 40 एंड रूल 38 गिव्स अस अ रिहैबिलिटेशन फॉर द जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों को के लिए होते हैं. इट इज़ ऑल्सो फॉर द नीड एंड केयर, बट अभी जो हम लोग इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के बारे में बोल रहे हैं तो आई विल मोर फोकस ऑन द जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के जो रिहैबिलिटेशन का है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिहैबिलिटेशन जैसे सिस्टर जैसी कुरियन ने बताया है, इंडिविजुअल केयर प्लान इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर द रिहैबिलिटेशन विद इन वन मंथ ऑफ हिज कमिंग टू द होम्स, एंड देन द वोकेशनल ट्रेनिंग which has to be undergone. स्नेहा, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि चूंकि जे जे एक्ट की हमने बात की, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट जो है वो अलग तरह का है क्योंकि इसमें हम रिहैबिलिटेशन की बात जो है वो खास तौर पर करते हैं, तो ऐसे क्या प्रोविजन इसमें है जिसमें हम इन किशोरों की, इन बच्चों को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं? अभी जो सिस्टर जैसी कुरियन ने बताया है, इंडिविजुअल केयर प्लान विच इज़ अ इन हाउस मैकेनिज्म, जब जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ जब ऑब्जर्वेशन होम्स में रहते हैं तो इनके लिए इंडिविजुअल केयर प्लान बनाए जाते हैं टू सी द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, टू गिव देम अ प्रॉपर एडुकेशन, टू फॉर एंड ऑल्सो फॉर रिक्रिएशन फैसिलिटीज, उनका गेम्स प्ले कुछ ऐसा, सो दैट दे आर फुल्ली एंगेज्ड in the homes. But after the homes, what is it? Sister Jessie, what is after the home? What are the, you know, provisions? How could, you know, the citizens, how could, you know, the different stakeholders can come to rehabilitate, you know, these juveniles? We have to aim at more after the homes, what will be the children in the streets. We sponsorship program is there, and group sponsorship is there, individual sponsorship is there, institution sponsorship is there. If this program shall be done, then we can help the child for its maintenance and for the further development. But as on today, once they come out of their homes, what is their fate is a big question, because they are not molded or reformed or skillfully developed to take up any vocational training outside or to live on their own feet. That's a big question. You are very true, but Sneha, यहाँ पर फिर वही बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए बहुत ज़्यादा संख्या है इन किशोरों की, और ये किशोर जो हैं वाकई में अगर हम इनको फिर से हम शहरी बनाना चाहते हैं तो शायद जैसे सिस्टर जैसी ने कहा कि जितने प्रोविजन्स हमारे पास हैं, चाहे हम शहरियों की तरफ से स्टेक होल्डर्स, वो काफ़ी नहीं है, हमें कुछ और ज़्यादा करने की आवश्यकता है. ऐसा क्या हो सकता है, किस दशा में कदम उठाए जा सकते हैं? हाँ जी, यहाँ पे जो एक्ट अधिनियम बनाए गए हैं सेक्शन 45 एंड रूल 39 सेज अबाउट द लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन. हम लोग एनजीओज के द्वारा, हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ये अवेयरनेस डाल देते हैं कि सी दिस इज़ द जुवेनाइल हु एक्चुअली नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, डो ही इज़ कन्फ्लिक्ट इन लॉ टू रिहैबिलिटेट हिम. अगर कोई स्पॉन्सरशिप कॉर्पोरेट सेक्टर से या एनजीओ से और गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम होते हैं, जैसे कि आप मान लो अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम होते हैं ICPS, तो इनमें हम अगर कोई भी स्कीम को
एंड आई मीन इन रियलिटी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही कम है, लेकिन इफ़ वी एक्चुअली गिव इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम आई थिंक इट्स गोना गो लॉन्ग वे. So, Jesse, this is very pertinent question which she has raised. Now, you see, the question of implementing laws are there. We can formulate laws. Okay, fine. We have got the volumes of papers over there. But actually, the question comes to implement in its true spirit, JJ Act and its provisions. You know, what is the position and what the ground realities are? As Ms. Sneha Kalida said, lot of schemes are there. But now, how many people know about the schemes? One question. And the provisions of the JJ Act is for the whole development of the child. How many parents know about this? Whether the common citizens of this country are aware of the law, it is a big question. So, what I feel is actually this law, rights of children, should be inserted in the national syllabus itself. It should be made a mandatory condition in the schools, for the parents and also for the children to know. And secondly, there should be a machinery either panchayat level or municipality level to teach the masses, the common people, of this law and the schemes which madam has mentioned. बहुत बढ़िया बात कही आपने सिस्टर जैसी ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जानकारी हो और जानकारी जो है वही कानून को लागू करा सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र है. लोकतंत्र में आपके पास पावर है, हर व्यक्ति के पास पावर है क्योंकि मैंडेट उसके पास है और जब मैंडेट उसके पास होता है तो हर चीज़ जो है वो उसी के लिए है, कानून भी उसी के लिए है. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है जागरूक होना, अवेयर होना. बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा आपका. थैंक यू वेरी मच सिस्टर जैसी कुरियन एंड थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेहा कलिता. आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर रखी हैं लेकिन इन बातों का खुलासा जो है हम अपने अगले सेगमेंट में करेंगे. समाधान में यहाँ तशरीफ लगते हैं NCPCR के माननीय सदस्य विनोद टुक्की साहब. उनके साथ होगी एडवोकेट शोभा. समाधान में अपने दो विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूँगा. सबसे पहले माननीय विनोद टिक्कू साहब, आप नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के माननीय सदस्य हैं और बहुत एक्टिव हैं इस समय मैं आऊँगा. लेकिन दूसरी हमारी मेहमान हैं मिस शोभा. आप उच्चतम न्यायालय की एडवोकेट हैं और आप एक ऐसे ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं जिन्होंने जुविनाइल जस्टिस एक्ट के ऊपर प्रोएक्टिव होकर के बाहर काम किया है. बहुत बहुत आपका स्वागत है. जैसे दर्शकों हम जानते हैं कि हमारे पहले सेगमेंट में बात हो रही थी जुविनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में जो कि एक बड़ा विशेष है. 1986 में जो पहले इसका प्रावधान आए, फिर 2000 में अमेंडमेंट हुई और 2007 में जो थे इसके रूल बने. विनोद टुक्की साहब, मुबारक देना चाहूँगा मैं आपको. सबसे पहले हाल ही में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि NCPCR ने और आपने विशेष तौर पर तिहाड़ जेल में उन जुविनाइल, उन किशोर और बच्चे जो वहाँ पर कैद किए गए थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, आपने उन्हें वहाँ से मुक्त कराया, उनको आइडेंटिफाई किया. लेकिन प्रश्न, सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या अधिकारियों को उनको अरेस्ट करने से पहले ये पता नहीं था कि वो 18 साल से कम है और जेजे एक्ट के अंदर आते हैं? जिन लोगों ने कानून लागू करना होता उन्हें ही कानून की समझ नहीं रहती है ना. जेजे एक्ट लागू करने के लिए जो एग्जीक्यूटर्स ऑफ द लॉ, उनमें से सबसे पहले तो पुलिस है, प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, उसमें मजिस्ट्रेट्स भी हैं. और जब बच्चा प्रोड्यूस हो जाता है, जो बच्चे को जेजेबी के सामने ले जाना चाहिए उसे ले जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास. और मजिस्ट्रेट को अनफॉर्चुनेटली, मैं यही विडंबना हमारे देश की है कि जुवेनाइल बच्चों के चाइल्ड राइट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. बच्चा मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं होता. जो आयो होता है, जो केस हैंडल करता है, वो आयो होता है, वो उसके सामने जो भी पेश करता है उस पर साइन किया जाता है. और बच्चे को, बच्चा हो या बड़ा, उसको नहीं मालूम कि क्या है, क्योंकि वो उसके सामने मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेजेंट ही नहीं हो पाता. बच्चा बाहर खड़ा, कोर्टरूम के बाहर खड़ा है, पुलिस ऑफिसर लाता है, जो भी चालान भर के लाता है, वो चाइन दिया, साइन हो गया और बच्चे को जेल भिजवा दिया. शोभा जी, यहाँ पे बहुत एक, मैं ये माननीय सदस्य ने ये बात कही है, NCPCR के सदस्य ने बात की है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है आप काम कर रही हैं. बच्चा पकड़ा जाता है, जुविनाइल पकड़ा जाता है और उसके बाद उसको JJB यानी बोर्ड में पेश होता क्या है, किस तरह की कार्रवाई वहाँ पर होती है? वो एक बच्चा है जिसने कुछ गलत करा, जो कि आपके, अगर आप IPC देखेंगे या जो कानून देखेंगे उसके हिसाब से बोलेंगे रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, राइट. आपने उस बच्चे को केवल इसलिए अपने पास रखा है क्योंकि आपको उस पुलिस ऑफिसर को, हु इज़ ऑल्सो सपोज टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर, ये देखना है कि इसने गलती क्यों करी,
एग्जैक्टली क्या गलत था, उन सारे किसी ऑफेंस में जुवेनाइल बोर्ड के सामने ले जाएंगे एक रिपोर्ट बनाकर, और उस रिपोर्ट के साथ आप ये बताएंगे बच्चा कहाँ रहता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, खाने पीने का साधन क्या है, उनके पास नौकरी क्या है, क्या वजह है कि वो इसमें फॉल हो सकता है। जहाँ तक मिस्टर टिक्कू बोल रहे हैं कि जानकारी नहीं होती है, फैक्ट है नहीं होती है, पुलिस वालों को ज़रूर है। ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान में जिसको ये नहीं पता हो कि मैं एक बच्चे को मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जा सकता हूँ, बोर्ड पर ही ले जाना पड़ेगा। बोर्ड केवल एक बोर्ड है, जैसे आप और हम बैठे हैं, बोर्ड ऐसे ही बैठ सकता है। बोर्ड को हम तो सजेशन ये भी देते थे जब हम काम कर रहे थे कि आप कोर्ट की तरह ऊपर ना बैठें, बच्चे के सामने आप पुलिस वाला वर्दी में नहीं जाएगा, मैं एज एन एडवोकेट वकील यूनिफॉर्म में नहीं जाऊंगी, राइट, उसको पकड़ के नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आप उसको ये नहीं बता रहे हैं तूने अपराध करा तेरे को जेल ले जा रहे हैं, आप उसको ये बता रहे हैं कि तेरे को तुमको सुधरने का हमको मौका देना, सुधारने का तरीका आपको सबको मिलकर ढूंढना है, आप ढूंढिए, मैं ढूंढूं, ये ढूंढे, सब ढूंढे। यानी मानसिक रूप से आपने बात की कि हमें अपने माइंड सेट को बदलने की जरूरत है ताकि जब हम बच्चे से या 18 साल से कम आयु के किसी बच्चे के साथ डील कर रहे हैं तो उसमें हमारा बर्ताव जो है जैसा आप घर में करते हैं, आप खाना देना बंद नहीं करेंगे जी, आप हथकड़ियां नहीं डाल देंगे, आप कहेंगे बेटा आज किया कल मत करना, और वजह ढूंढेंगे क्यों किया था, वो आपको उसके संग भी करना है एज अ बोर्ड मेंबर, एज अ पुलिस पर्सन, एज अ प्रोबेशन ऑफिसर, एनीबॉडी एल्स। विनोद जी, यहां मैं आपके पास आना चाहूंगा, एनसीपीसीआर के पास मैंडेट है और मैंने ये लिखा हुआ है टू इंश्योर दैट ऑल लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म आर इन कंसोनेंस विद द चाइल्ड राइट परस्पेक्टिव। चाइल्ड राइट कानून और जेजे एक्ट, ये दोनों एक पैरेलल चलते हैं, आप अपनी प्रोएक्टिव भूमिका कैसे निभाते हैं? शोभा जी कहते हैं कि वायलेटिव है, बच्चे की भावनाओं की समझ नहीं रखी जाती और उसकी मानसिक भावनाओं के साथ जो है वो उस पर प्रहार किया जाता है। हमारे देश में जो बच्चों की आबादी है सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा मेहमत हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास उन बच्चों को डील करने में, क्योंकि जैसे आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं पकड़ना, अरेस्ट करना, जुवेनाइल, हम तो जुवेनाइल वर्ड को भी लेना नहीं चाहते, हम सिर्फ ये बोलते हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन जिनको ज़रूरत है हमारी हेल्प की, उसमें है एक है चाइल्ड हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। हम कभी जुवेनाइल वर्ड यूज़ करते हैं, हम कभी अरेस्ट मोमेंट, कोई भी पुलिस वाला जब अरेस्ट करके लाता है, अरेस्ट चालान करके लाता है, तो उसको हम उसकी रिप्रिमांड करते हैं, उसके तुम ऐसे क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों बढ़ा। हमने तो कमीशन में कई बार लोगों को समन करके बुलाया है इन चीज़ों को ये बताने के लिए कि ये तुम गलत कर रहे हो। जो बच्चे जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में भेजे जाते हैं, जो बच्चे चिल्ड्रंस होम में भेजे जाते हैं जिनको ज़रूरत है एक संरक्षण की, एक प्रोटेक्शन की, वो उनको वहाँ पे पूरी तरह से नहीं मिल पाती। इस चीज़ को करने के लिए हम कई बार ग्राउंड में जा गए हैं, कई बार हमने उजागर किया और स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने रिप्रीमेंड किया है, यहाँ बुलाया, समनिंग करी है, हमने रिपोर्ट्स दिए हैं उसके कि ये जो कानून जो लगे हैं वो वाकई में वो उनके साथ उन ऐसे डील नहीं किया जाता बच्चों के साथ। जो बच्चों के खास तौर पे आपने अभी कुछ देर पहले बताया था वो एक ऐसे ट्रांजिटरी फेज में थे जहाँ पे बच्चा अगर गलत जगह चला गया, गलत दिशा में गया तो गलत ही करेगा तो फिर ज़रूरत है हमें उसको सुधारने की, वापसी उस रोड पे लाने की जिस पे वो सुधर जाए। जो बच्चों का सबसे इम्पॉर्टेंट राइट जो है वो है उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा का, और चाहे राइट टू एजुकेशन एक ऐसा राइट है बच्चे का जिसमें बाकी सारे इविल्स ख़त्म किए जा सकते हैं अगर हम सिर्फ इंश्योर कर सकें अंडर द चाइल्ड राइट टू एजुकेशन एक्ट कि सारे बच्चे हिंदुस्तान के स्कूल जाने लगे तो आपकी ये सारी समस्याएं बाकी हैं वो खत्म हो जाएंगी, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज की हो, चाहे लेबर की हो, चाहे किसी भी और जो बाकी जो भी आप कर रहे थे अरेस्ट वगैरह ये सब वो सब समस्याएँ खत्म हो जाएंगी ओनली इफ़ वी इंश्योर दैट ऑल द चिल्ड्रन आर पुट इन टू द स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर एनजीओ का, यहाँ पर शहरियों का, यहाँ पर सिटीजन्स का रोल जो है वो आ जाता है जिसके लिए जेजे एक्ट प्रोवाइड करता है। क्या कहें, कानून कम नहीं है, वो काफ़ी हैं। फ़र्क इतना सा जो ये वर्ड यूज़ कर रहे थे मिस्टर टिक्कू, चाइल्ड राइट, वो जो राइट है ना बोल्ड बिग लेटर्स में इन्वर्टेड कॉमास में वो दे दो उनको। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलता है कि टिल द चाइल्ड अटेन द एज ऑफ 14 उसको एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो उसको एजुकेट करे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जे बोर्ड भी आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये शेल्टर होम्स भी आते हैं, जब बच्चा उनके पास जाता है वो इंश्योर कर दें कि इसकी एजुकेशन डिसकंटिन्यू नहीं होगी। वन, अगर इसको आज तक एजुकेशन नहीं मिल रही थी तो हम इसको एजुकेशन देंगे, बावजूद इसके कि जब ये रिलीज़ हो जाए यहाँ से तो इसकी एजुकेशन चलेगी, और एजुकेशन ख़त्म होकर हम कोई ना कोई उसको प्रोग्राम देंगे जिससे कि हिल नर्चर हिमसेल्फ फॉर सम लाइफ स्किल, उसके बाद जॉब मिल जाएगी।
अगर आप ऐसा सेगमेंट तैयार करते जाएंगे कि उनको रोटी कपड़ा मकान इंश्योर हो जाएगा उस हर एक बच्चे को एक एक करके, तो ये अपराध कम होने लगेंगे। शोभा जी, यहीं पर विनोद जी, शोभा जी ने जो बात कही, मसला है कि कानून जो है बहुत मायनों में स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है, राज्यों की ये एक बन जाता है। आप बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत काम किया राज्यों में, के क्या स्थिति है? लास्ट नवंबर मैं मालदा गया था, वेस्ट बंगाल गया था, वहाँ पे ऐसे चार्ज हैं, गैंजेटिक चार्ज, मतलब जब गंगा जब बह के बहा के ले जाती है अपने साथ सब कुछ अपने रुद्र रूप में, तो वहाँ पे कई गांव के गांव ही तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जब रिसीड हो जाता पानी तो वहाँ पे आइलैंड्स बन जाते हैं, वो कई सालों तक चलते रहते हैं, पॉपुलेशन फिर उस पर सेटल होती है, पॉपुलेशन सेटल होगी तो बच्चे होंगे तो उनके राइट्स भी होंगे, उनको पढ़ाई भी चाहिए, उनको लिखाई भी चाहिए, उनको हेल्थ केयर भी चाहिए, उनको मेडिसिन भी चाहिए, उनको मिड डे मील भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए जो उनका राइट बनता है। आप उनके ऊपर कोई चैरिटी नहीं दे रहे हैं कि आप उनको ये सब दे रहे हैं, उनको देना ये उनका हक बनता है, उनको ये मिलना ही चाहिए। एनसीपीसीआर के आप सदस्य हैं, सुमोटो पावर है आपके पास, सिविल कोर्ट्स की है, कंप्लेंट्स अगर आपके पास होती है आप प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन शोभा जी चैलेंज ये है कि समाज को कैसे चेताया जाए। कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटरी होगा, ये होते हैं सेमिनार्स हर साल होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप इन बच्चों के संग क्रिमिनल्स की तरह पेश ना आए, पर उन बच्चों को पता हो, पेरेंट्स को पता हो। अभी मिस्टर टिक्कू बोल रहे हैं, आई विश ये नेक्स्ट टाइम एक बार प्रोग्राम और रखिए, और मिस्टर टिक्कू नेक्स्ट टाइम हमारे बोले ये मैं कर पाया, 3 स्कूल्स की इन्होंने घोषणा करवाई कहीं गए थे, तो ये हर एक बोर्ड में जहाँ जहाँ जगह हो वहाँ पर ये घोषणा और करवा दें कि जितने भी बच्चे अब जाके अप्रीहेंड होंगे और जब तक कि उनको बेल नहीं मिल जाती फिर वॉट एवर रीज़न, और वो बच्चे अगर कहीं स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनको किसी ना किसी स्कूल से अटैच करवा देंगे, और रिलीज होने के बाद भी उन बच्चों की एजुकेशन चलती रहेगी। बिलीव मी, बहुत बड़ी सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो जाते हैं वहाँ पर, उनको कोई एजुकेशन नहीं है, उनको एक डॉर्मेटरी दे दिया, रहो खाओ पियो मस्त रहो, जब रिलीज होना रिलीज हो जाओगे, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। ये इतना मोटा एक्ट है, कौन पढ़ता है? मैजिस्ट्रेट्स, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, मैंने बना के दिया था रूल्स को हाईलाइट कर करके मैजिस्ट्रेट को कि ये पढ़ना पड़ता है, किसी के टाइम नहीं है पढ़ने का, वकील जाके एक आध दिखा देगा तो कोई देख लेगा, उस पर उस एक मुकदमे में फैसला हो जाएगा उनके फेवर में। एजुकेशन आई वाउच, मैं एक्चुअली नेक्स्ट टाइम आप और मैं दोबारा मिलें ऐसे किसी प्रोग्राम में, और आप बताना कि मैंने घोषणा करवा दी कम से कम 10 JJBs के लिए। ऐसी जगह पर जब भी जाते हैं हम, तो सबसे पहले हम CWCs, जो कि एक विंग है JJ एक्ट का, देर आर टू विंग्स, एक तो है चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, एक है JJBs। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उन बच्चों की तरफ ध्यान करता है, जैसे आप बताए अभी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन, अब ऐसे बच्चों को कौन ध्यान करेगा, वो JJB नहीं कर सकता, ऐसे बच्चों को उठा के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास प्रस्तुत किया जाता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में उस बच्चे का एक प्रॉपर होम इन्वेस्टिगेशन बनेगा, उसका सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनेगी, वो वेलफेयर ऑफिसर जो है उसके साथ अटैच वो बनाएगा और वो प्रेजेंट करेगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी, उससे बड़ी अथॉरिटी नहीं है हमारे पास बच्चे के विषय में, उसके संरक्षण उसके प्रोटेक्शन के लिए, वो डिसाइड करेगी बच्चे को कहाँ रखना है कैसे रखना है। और हर इसमें और यहाँ पे जहाँ भी हम गए हैं, जहाँ पे भी स्पेशली मैं गया हूँ, मैंने ये इंश्योर किया है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इज़ वर्किंग प्रॉपरली, दे आर रिसीविंग ट्रेनिंग थ्रू निपसेड नेसेसरली, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, झारखंड के मैं वहाँ प्रोवाइड किया, मैं वेस्ट बंगाल के वहाँ पर प्रोवाइड करवाया, हरियाणा में इट इज़ ऑलरेडी ऑन द वर्किंग ऑन द लूप, इट इज़ हैपनिंग। डेफिनेटली टाइम लगेगा थोड़ा, बिकॉज सोशल चेंज लाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। जी आप बधाई के पात्र हैं, शोभा जी आप बधाई के पात्र क्या, लेकिन साथ में मैं आपको ये अपील करना चाहूँगा कि आप भी ज़रूर जुड़िए, मानसिक रूप से जुड़िए, सामाजिक रूप से जुड़िए, क्योंकि देखिए 3 बातें, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और उसके बीच में खड़े हैं आप, क्योंकि आपके पास एक मैंडेट है, आपके पास एक पावर है, आप समय को उन बच्चों की तकदीर को बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको विनोद साहब, विनोद टिक्कू साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए, शोभा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का समय यहीं पे खत्म होता है, लेकिन हमें लिखना ना भूलिएगा, जरूर लिखिएगा, ये है हमारा पता, और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त समाप्त होता है। नमस्कार।